नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ये है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। पेश है अभी तक की पांच बड़ी खबरें। अनंतनाग उपचुनाव 25 मई तक के लिए स्थगित। ममता ने मोदी से मुलाकात की, वित्तीय मदद मांगी। केजरीवाल ने कहा कि निर्वाचन आयोग का लक्ष्य भाजपा को सत्ता में लाना। अमरिंदर ने कहा कि SYL पर पंजाब और हरियाणा की बैठक बुलाने का स्वागत। योगी को लोहिया से इकरार, समाजवादी से इनकार। निर्वाचन आयोग ने सोमवार को जम्मू एवं कश्मीर की अनंतनाग संसदीय सीट पर बुधवार को उपचुनाव के तहत होने वाले मतदान को 25 मई तक के लिए स्थगित कर दिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की बकाया धनराशि आवंटित करने की मांग की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को EVM छेड़छाड़ के लिए निर्वाचन आयोग को जिम्मेदार ठहराया। केजरीवाल ने कहा कि निर्वाचन आयोग का एकमात्र लक्ष्य भाजपा को सत्ता में लाना है। आम आदमी पार्टी के नेता ने निर्वाचन आयोग के 2006 से पहले निर्मित EVM के दिल्ली नगर निगम चुनाव में इस्तेमाल किए जाने पर भी सवाल उठाया। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सोमवार को कहा कि SYL नहर मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा के बीच 20 अप्रैल को बैठक बुलाने के केंद्र के कदम का वह स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के साथ जल आवंटन में अन्याय हुआ है। उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने के साथ ही योगी सरकार ने समाजवादी के नाम से चल रही सरकारी योजनाओं के नाम बदलने का निर्णय लिया है। अब इन योजनाओं से समाजवादी शब्द को हटाकर मुख्यमंत्री जोड़ा जा रहा है।